हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम DIY लीव्स बनाने जा रहे हैं। इसको आप किसी भी फ्लावर पॉट्स पे या फिर आप कहीं भी वॉल हैंगिंग बनाकर डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्रिज का कार्डबोर्ड लिया है। इसका कार्डबोर्ड को ऊपर मैंने स्प्रे करके, आप ब्रश के साथ भी इसको वेट कर सकते हैं या स्प्रे बॉटल से भी वेट करके इस पेपर को ईजिली रिमूव कर लेना। इस तरीके से ये पेपर बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। अदरवाइज आप ड्राई से भी कर सकते हैं, बट थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप उस पर पहले स्प्रे कर लो और फर्स्ट लेयर रिमूव हो जाने के बाद मैं एक रफ शीट पे लीफ का कटआउट रेडी कर रही हूँ। मैं हाफ लीफ का कटआउट रेडी कर रही हूँ। इसकी आप कटिंग कर लीजिए, आप कोई भी न्यूज़पेपर भी कटिंग कर सकते हैं। अब लीफ के ऊपर मैं जो लीफ की लाइंस होती हैं, आई ड्रॉ दैट पैटर्न, ताकि मुझे जब कटिंग करूँगी इस कार्डबोर्ड पे मैं उसकी लाइंस भी इसके अकॉर्डिंग ले सकूँ। जैसे लाइन इसकी वर्टिकल है तो हमें डायगोनल लाइंस लेनी है। डायगोनल लाइन मैं दोनों साइड लीव्स के ड्रॉ कर दूँगी, बट जो मैंने लीफ पे डायगोनल लाइन ड्रॉ की है वही लाइन मुझे अपने कार्डबोर्ड पे भी उसके बिल्कुल पैरेलल लेके चलनी है। सी, अब दूसरी साइड भी मैं लीव्स की लाइन ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ बाहर की तरफ निकली हुई। अब मुझे प्लेस करना है ताकि जो ये लाइंस हैं, जो मेरी पेंसिल वाली लाइंस हैं और कार्डबोर्ड की लाइंस हैं, वो दोनों एक दूसरे पे पैरेलल आए। सो उसको एडजस्ट करके आप इसकी कटिंग कर लीजिए। आप सीजर्स या कटर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सो कटिंग के बाद देखिए लीव्स की लाइंस जो हैं वो बिल्कुल जैसे हम लीव्स में रखते हैं पेंटिंग के दौरान, बिल्कुल वैसी हैं। अब मैं इसके बैक साइड पे पेपर टेप से इसको सिक्योर करूँगी। आप ग्लू या कोई भी अदरवाइज कोई पेपर की स्ट्रिप भी कट करके आप फेविकोल के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पेपर टेप नहीं है। उसके बाद न्यूज़पेपर की स्ट्रॉ को सेंटर में पेस्ट करके, आप कोई भी या स्टिक भी ले सकते हैं या न्यूज़पेपर की स्ट्रॉ ले लीजिए। मैंने न्यूज़पेपर की जो स्ट्रॉ बनाई है उसके नीचे मैं एक स्टिक को इंसर्ट कर रही हूँ ताकि इसको थोड़ा सा बेस हार्ड मिल जाए। मैंने चॉप स्टिक ली है, आप कोई भी आप आइसक्रीम स्टिक की जो तीला कुल्फी आती है आप उसके भी स्टिक ले सकते हैं। ब्राउन और ऑरेंज कलर का मिक्सचर देके मैं लीफ का कलर कर रही हूँ। आप ग्रीन भी ले सकते हैं, कलर आप अपने फ्लावर पॉट या अपने वॉल हैंगिंग के चॉइस का ले सकते हैं। अब मैंने गोल्डन एक्रेलिक पेंट फिंगर के साथ इन लाइंस के ऊपर हल्का हल्का बस ड्राई इफेक्ट देने के लिए टच करूँगी। अगर आप ब्रश के साथ नहीं करना चाहते तो आप फिंगर के साथ नहीं करना चाहते तो आप ब्रश भी ले लीजिए। ऐसे करके आपको गोल्डन, कॉपर या सिल्वर जो भी शेड्स आपको पसंद है आप उनको अप्लाई कर दीजिए। इस तरह आप इन लीव्स का यूज़ कई जगह कर सकते हैं। फ्लावर पॉट्स का तो है ही है, आप डिफरेंट लीव्स का वॉल हैंगिंग बहुत सुंदर बन सकता है। आप स्ट्रिप्स लेकर उस पर पेस्ट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन लीव्स के साथ सुंदर सा वॉल हैंगिंग भी आपको बताऊंगी, बट इस बार मैंने इन लीव्स को साथ मैंने एक डेकोरेटिव कॉर्नर रेडी किया है जिसमें क्रेप पेपर के फ्लावर्स हैं। आप सिर्फ इसके साथ आप कुछ स्टिक्स, कुछ ग्रास, जो ग्रास ऐसी ले लीजिए जो ड्राई होने के बाद हार्ड रहती है। यू कैन टेक सच काइंड ऑफ प्लांट्स आल्सो
और उसको आप स्प्रे पेंट से कलर कर दीजिए एंड देन उसके बीच में कहीं कहीं पे लीव्स ऐड ऑन कर दीजिए। इस तरीके से आप बहुत सारी लीव्स रेडी कर सकते हैं और ये बहुत सुंदर लगती हैं। आप कहीं पे भी इसको डेकोरेटिव कुछ भी बना सकते हैं, अपना आइडिया आप कहीं पे भी लगाइए और इन लीव्स का यूज़ कीजिए। आप फ्लावर पॉट में सिंपली ये स्टिक्स के साथ ही लीव्स डाल देंगे तब भी ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।